हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन। मैं राजकुमार चड्डा, सीनियर लेक्चर फिजिक्स, एक बार फिर आप सबका बच्चों जो हमारे वर्दी डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू की तरफ से होम ऑनलाइन क्लासेस चलाई जा रही हैं उसमें सबका स्वागत करता हूं। बच्चों, होप्स आपको अंडरस्टैंड हो रहा होगा जो पढ़ाया जा रहा है यहाँ पर। तो बच्चों, अभी तक हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक लाइन्स की प्रॉपर्टी पढ़ी थी लास्ट लेक्चर में, और उसके बाद हमने स्टार्ट किया था इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है। तो उसके आगे अब आज हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेरिवेशंस ड्यू टू डाइपोल। तो बच्चों, आज हमारा टॉपिक रहेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at a point on the axial line of the dipole। ये बच्चों आज हमारा टॉपिक है कि डाइपोल की एक्सियल लाइन के ऊपर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकालिए। अब बच्चों, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि एक्सियल लाइन होती क्या है। बच्चों, ये आपको पता है कि इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। मान लीजिए एक माइनस क्यू चार्ज है, दूसरा प्लस क्यू चार्ज है, तो इनके बीच में जो डिस्टेंस था वो कितना था, 2L। ये हो गया आपका डायपोल। इसका नाम हम ए रख लेते हैं, इसका नाम बी रख लेते हैं और इसका नाम ओ रख लेते हैं। अब जो मैंने आपको बताया था कि एक्सियल लाइन होगी ये वाला लाइन, ये जो यहां से सीधी लाइन यहां से ये चलेगी, दिस इज नोन एज एक्सियल लाइन। ये हो गया एक्सियल लाइन। ये यहां से नेगेटिव चार्ज से लेकर पॉजिटिव चार्ज की तरफ जो लाइन आप ड्रा करोगे ये एक्सियल लाइन होगी। अब बच्चों, हमें पूछा जाता है कि अब ये डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस करेगा कि मुझे नेगेटिव चार्ज भी और पॉजिटिव चार्ज भी है, तो मुझे एक्सियल लाइन पर कोई पॉइंट लेना है। लेट मैं यहां पर कोई पी पॉइंट ले लेता हूं और इस पी पॉइंट के ऊपर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है ड्यू टू दिस डाइपोल। तो सबसे पहले बच्चों, ये मैंने पी पॉइंट ले लिया और मान लीजिए इस पी पॉइंट का जो डिस्टेंस है डाइपोल के सेंटर से वो आर है। अब बच्चों, आपको पता है कि डाइपोल के बीच में डिस्टेंस कितना आपको बताया था, वो होता है 2L। 2L का मतलब हो गया कि यहां से यहां तक भी L आएगा और यहां से यहां तक भी L आएगा। तो जी, आप थोड़ा सा इसको नोट कर लीजिए, ये हो गया आपका कि डाइपोल का डिस्टेंस 2L। अब बच्चों, मुझे यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है ड्यू टू दिस डाइपोल। अब उसको करने से पहले मैं यहां पर क्या करूंगा, एक छोटा सा यूनिट पॉजिटिव चार्ज यहां पर करूंगा। अब यूनिट पॉजिटिव चार्ज मैंने इसलिए रखा क्योंकि मुझे पता चलेगा कि इस पहले अब ये वाला पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा। इसका मतलब कि इस चार्ज की यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो बच्चों इस तरफ होगी, उसका नाम मैं रख लेता हूं ई पॉजिटिव, इस तरफ। अब क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो मतलब इस नेगेटिव चार्ज की जहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो बच्चों इस तरफ होगी। तो ये मैंने ये, अब बच्चों यहां से आपको मैं बताता हूं कि आपको डेरिवेशन हमने की थी कि अगर मेरे पास कोई चार्ज है और यहां पर पॉइंट बी है और उसका डिस्टेंस आर है, तो इस चार्ज की वजह से यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ड्यू टू सिंगल पॉइंट चार्ज वो क्या था, फॉर्मूला 1/4πε0Q/r2। अब बच्चों, यहां से एक और चीज समझ आती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होती है। मतलब कि अगर डिस्टेंस ज्यादा होगा, ये जो पी पॉइंट है इसका डिस्टेंस अगर इस चार्ज से ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होगी। अब बच्चों देखें कि क्योंकि ये पी पॉइंट इस पॉजिटिव चार्ज के पास है,
और ये पी पॉइंट इस नेगेटिव चार्ज से दूर है, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी और नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी। तो अब इसलिए मैंने देखो यहां पर ये पॉजिटिव चार्ज का एरो बड़ा डाला हुआ है और नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड का एरो छोटा डाला हुआ है, ताकि पता चले कि ये बड़ी है और ये छोटी। अब बच्चों यहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों आपको पता कि ये दोनों वेक्टर जब अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो ये माइनस हो जाते हैं, इसलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी आपकी ई पॉजिटिव माइनस ई नेगेटिव। तो इस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ होगी बच्चों, जिस तरफ बड़ा वेक्टर होगा तो बड़ा पॉजिटिव वाला इधर है, इसका मतलब होगी इसकी डायरेक्शन भी जो होगी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी वो इसी तरफ होगी। ये थोड़ा आपको डायग्राम मैंने समझा था कि डायग्राम में क्या है। अब बच्चों मुझे यहां पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो इसके लिए मुझे पहले E पॉजिटिव निकालना पड़ेगा। E पॉजिटिव हो गया कि मतलब कि इस पॉजिटिव चार्ज की यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, फिर E नेगेटिव मतलब कि इस नेगेटिव चार्ज की वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, और दोनों को माइनस करेंगे। आओ बच्चों देखिए, पहले हम निकालते हैं E पॉजिटिव। E पॉजिटिव बोलो जरा क्या फॉर्मूला आएगा, 1/4πε0Q/, देखिए क्या फॉर्मूला था, 1/4πQ/R2। आर कौन सा लेना है, उस पॉइंट पी का उस चार्ज से डिस्टेंस। अब बच्चों ई पॉजिटिव इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, तो इसका पी तक कितना डिस्टेंस है, बी पी। तो आप लिखोगे बी पी का स्क्वायर। अब बच्चों इसको लिखो 1/4πε0Q/ बी पी कितना होगा, बच्चों ध्यान से देखिए बी, ये बी पी कितना होगा, ये देखो इस लाइन में क्या करो, ये देखो ये ओरिजिन है हमारा, यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना आर, और इस पूरे डिस्टेंस में से ये वाला डिस्टेंस माइनस हो जाएगा, तो बाकी बचेगा बीपी, वो क्या बचेगा आर माइनस एल, उसका लिखिए आर माइनस एल का होल स्क्वायर। ये हो गया ई पॉजिटिव, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। अब बच्चों आओ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज निकालिए, नेगेटिव चार्ज का आएगा आंसर 1/4πε0 Q/ आप देखिए इस चार्ज के यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, इसका डिस्टेंस आएगा ए पी का स्क्वायर, ए पी का स्क्वायर। अब बच्चों ए पी देखो किस क्या होगा, 1/4πε0 Q/ ए पी, यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस कितना होगा, यहां से यहां तक कितना है आर, और ये ऐड कर दो एल तो बन जाएगा आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ये बच्चों हमारे दो मसले हो गए, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गई और नेगेटिव इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकल गई, और इस चार्ज अब दोनों का हमने माइनस करना है, क्यों क्यों माइनस करना है, क्योंकि ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। अब देखिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया ई पॉजिटिव माइनस ई नेगेटिव, इसको करो सब्ट्रैक्ट करो, तो बच्चों ई पॉजिटिव की बात देखो 1/4πε0 Q/ आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/4πε0 Q/ आर प्लस एल का होल स्क्वायर, दोनों को माइनस कर दो। आप बच्चों यहां से देखिए कॉमन क्या आएगा, देखो 1/4πε0 और Q, 1/4πε0 Q, ये दोनों कॉमन है, तो इसको बाहर ले लो Q/4πε0 कॉमन, बच्चों अंदर क्या बचेगा 1/r-l का होल स्क्वायर माइनस 1/r+l का होल स्क्वायर, ये आपका। अब जो आगे जो आपका मैथमेटिक्स है आप तो इसको सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हो, मैं इसके आगे यहां पर चलता हूं, ये स्टेप देखता हूं किसका आंसर आएगा Q/4πε0। सॉल्व कीजिए बच्चों इसको, ये जैसे माइनस करते हो आप, इसको इधर मल्टीप्लाई करो, इसको इधर मल्टीप्लाई करो, ये बन जाएगा आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर अपान, इनको इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, ये बनेगा आर माइनस एल का होल स्क्वायर और आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ये। अब बच्चों इसको सॉल्व करने के काफी तरीके हैं मैथमेटिक्स। अब देखो ये इसको लिख सकते हो आप a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस, मतलब ये बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये सारा मान लो a है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बच्चों a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसका होता है, ये
बनता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो आप इसको मानिए पूरे को ए और इसको मानिए बी, तो पहले आप ए प्लस बी करिए तो आएगा आर प्लस एल प्लस आर माइनस एल, फिर ए माइनस बी आर प्लस एल माइनस आर और ये माइनस प्लस हो जाएगा जी। अब इसको देखिए ये क्या है, स्केयर्स क्या तो कॉमन है दोनों को, ये है ए माइनस बी और ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी किसके होता है ए स्केयर माइनस बी स्केयर, इसको मैं नीचे लिख सकता हूं ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ठीक है ए माइनस बी और ए प्लस बी भी लिख दिया मैंने ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ऊपर स्केयर कॉमन है जी। अब बच्चों इसको सॉल्व कीजिए क्या बनेगा, क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको सॉल्व कीजिए क्या बनेगा, ये देखो ये एल माइनस का और एल प्लस का कट जाएगा, बाकी बचेगा आर प्लस आर हो गया टू आर, इधर बच्चों देखिए आर और आर कट जाएगा एल प्लस एल कितना हो गया टू एल, और ये आ जाएगा बच्चों आर स्केयर माइनस एल स्केयर का स्केयर, यहां आकर नोट कीजिए यहां पर लिख देता हूं स्टार्टिंग में, इसके आगे बच्चों यहां पर आ जाओ कि नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बन गई, जब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ऊपर क्यू मल्टीपल ट्वेल्व अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट टू आर अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर, इसको क्यों फर्क नहीं पड़ता बच्चों, ये चाहे ये सारा ऊपर मल्टीप्लिकेशन है, ये मैंने क्यों किया क्योंकि यहां पर मुझे डाइपोल मोमेंट की वैल्यू डालनी है, क्योंकि मुझे पता कि क्यू मल्टीपल ट्वेल्व जो होता है वो किसका होता है डाइपोल मोमेंट पी बराबर, इसलिए मैंने किया इसको, इसकी जगह पी ले सकते हैं पी मल्टीपल टू आर अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर, ये बच्चों आपकी आई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू एट एक्सियल इस एक्सियल पॉइंट के ऊपर। अब बच्चों अगर इसकी वेक्टर फॉर्म लिखूं इन वेक्टर फॉर्म, तो इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखूंगा ये लिखिए, अब यहां पर देखिए कि डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन किस तरफ होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज, इसका डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज, अब जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनी है उसकी डायरेक्शन किस तरफ है, उसकी डायरेक्शन भी इधर ही है इस तरफ भी है जिस तरफ डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है, इसका मतलब है कि जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है उसी तरफ डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है, तो हम बच्चों इसको ऐसे लिखेंगे ई नेट वेक्टर फॉर्म इज इक्वल टू ई वेक्टर अपॉन मल्टीपल टू आर अपॉन फोर बाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर, ये मैंने ऐसा क्यों लिखा क्योंकि प्लस का साइन जब लिख दो इसका मतलब कि दोनों के डायरेक्शन जब सेम हो तो हम इधर प्लस का साइन लिखते हैं। अब बच्चों हम देखें फॉर शार्ट डाइपोल का केस, फॉर शार्ट डाइपोल के अंदर शार्ट डाइपोल आता है बच्चों, शार्ट डायपोल का मतलब होता है कि इफ शार्ट, ये शार्ट ये छोटा वो कब दिखेगा, ये छोटा डायपोल ये डायपोल आपको छोटा कब दिखेगा, अगर आप बहुत दूर चले जाओ, अगर ये पी पॉइंट में काफी दूर चला जाओ मैं किसी चीज को दूर से देखूंगा तो कोई चीज छोटी दिखेगी मुझे, तो मतलब फार शार्ट डायपोल का मतलब होगा कि इफ ये जो पी का डिस्टेंस यहां से यहां कितना था, ये डिस्टेंस हमने लिया था आर, तो इफ आर इज वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू एल, अगर पी बहुत ज्यादा हो जाएगा दूर चला जाएगा तो फिर देन हम क्या करते हैं निगलेक्ट कर देते हैं बच्चों एल की वैल्यू, एल मतलब की ये एल डायपोल का जो लेंथ है वो बिल्कुल छोटी हो जाएगी क्योंकि आर आपका बहुत बड़ा हो जाएगा, उस वक्त हम बोलते हैं कि डायपोल शार्ट है, तो उस वक्त बच्चों नेट इलेक्ट्रिसिटी डाल के आ जाएगी पी वेक्टर मल्टीपल टू आर अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, इधर एल आपका जीरो हो जाएगा बाकी बचेगा आर का स्क्वायर, आर का स्क्वायर ऊपर भी स्क्वायर है तो बन जाएगा आर की पावर फोर नीचे, तो एल आपका निगलेक्ट का मतलब जीरो कर दो।
अब जो इसको मैं ऐसे ले सकता हूँ कि एक आर और एक आर कट जाएगा तो आपका बच जाएगा टू पी वेक्टर अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर का क्यूब। ये जो आपकी डेरिवेशन बनी ड्यू टू डाइपोल कि इलेक्ट्रिक डाइपोल की एक्सिस के ऊपर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ये। अब यहां से आपको कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप मैं आपको बता देता हूँ कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्या आ सकता है इसका एमसीक्यू आप इसका देखिए। मान लीजिए आपको पूछा है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिंगल एक पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होती थी वन बाई आर स्क्वायर। आपको पूछता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वैरी करती है तो आपने देखा वन बाई आर क्यूब। ये आपको पहले याद इसमें था इसमें आपने पढ़ा था तो मैं डिफरेंसेस आपको बना देता हूं। ये देखिए ये आ गया आपका पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड और ये आ गया आपका एक डाइपोल मान लो माइनस क्यू प्लस क्यू और इस पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। दोनों में डिफरेंस समझिए जो आपको बोला जाएगा पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों वो आपकी वैरी कर रही है वन बाई आर स्क्वायर और जो डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वन बाई आर क्यूब। ये बहुत बड़ी बार ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आता है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा घटेगी मतलब इक्वल डिस्टेंस के ऊपर किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा घटेगी। मान लो मैं क्या करता हूं कि इसका भी आर मैं ले लेता हूं टू मीटर और इसका भी आर ले लेता हूं मैं टू मीटर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो डाइपोल की ज्यादा घटेगी या सिंगल चार्ज की तो कल पुट इसको वन बाई टू का स्क्वायर फोर आएगा इसका आएगा वन बाई एट। मतलब हुआ कि डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा घटेगी दूर जाने से एज कंपेयर टू सिंगल पॉइंट चार्ज। और दूसरा बच्चा आप यहां पर देखिए कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है सिंगल पॉइंट चार्ज की इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सोर्स चार्ज लेकिन जो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड थी ये जो आपका है डाइपोल डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड जो बच्चों वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइपोल मोमेंट के डाइपोल मोमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इस तरह बच्चों आपको याद रखना कि इसकी डिफरेंस के बारे में आप थोड़ा सा और भी याद से रख सकते हो कि ये जो सिंगल पॉइंट चार्ज होता है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो स्फेरिकली सिमेट्रिक होती है और जो डाइपोल होता है डाइपोल की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी बच्चों वो सिलेंड्रिकल सिमेट्रिकल होगी। तो इस तरह के आप डिफरेंस पॉइंट्स याद से रख सकते हो। अब बच्चों हम पढ़ेंगे सेकंड डेरिवेशन इसकी कि ये एग्जाम बोर्ड के क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड में बड़ी बार रिपीट होते हैं क्वेश्चन। इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी एट ए पॉइंट ऑन द अब हम एक्सियल लाइन नहीं लेंगे बल्कि हम लेंगे इक्वेटोरियल लाइन EQUATORIAL इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर आप हम इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी की वैल्यू निकालेंगे। अब बच्चों पहले समझ लेते हैं कि इक्वेटोरियल लाइन क्या होती है। मान लीजिए ये आपके पास वैसे भी डाइपोल बना हुआ भी यहां पर यह आपके डाइपोल माइनस क्यू डाइपोल कंसिस्ट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। अब जो एक्सियल लाइन तो ये थी अब मुझे उसने पूछा कि इक्वेटोरियल लाइन क्या होता है कि इसका एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करना है जो इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है जो इसको एक परपेंड 90 डिग्री बनाओ जो इसके मिड पॉइंट से काटे तो मान लो ये हो गया इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है अब इसका मतलब ये मिड पॉइंट से काटेगा तो ये डिस्टेंस भी एल हो जाएगा ये डिस्टेंस भी एल है क्योंकि टोटल डिस्टेंस इसका 2L होता है। अब उसी तरह बच्चों कि अब हमें इक्वेटोरियल लाइन पर कोई पॉइंट लेना है तो मान लीजिए मैं पॉइंट ले लेता हूं पी जैसे पहले पढ़ा हमने कि पी पॉइंट ले लिया जैसे ये पॉइंट पहले इधर था अब मैंने ऊपर ले लिया तो इसका डिस्टेंस आप ले लीजिए आप सेंटर ऑफ डाइपोल से लेकर यहां तक। अब बच्चों सबसे पहले आपने क्या करना है कि इस पॉइंट का यहां से क्योंकि अब इस पॉजिटिव चार्ज की यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है और नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो सबसे पहले मैं डिस्टेंस ले लेता हूं कि इस पॉजिटिव चार्ज का यहां पर डिस्टेंस कितना होगा क्योंकि यहां से यहां तक पहले मुझे डिस्टेंस पता होना चाहिए
फिर यहां से ज्वाइन करता हूं तो नेगेटिव चार्ज का भी मुझे यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस पता होगा, तब मैं वो फार्मूला लगा सकता हूं। चलो बच्चों निकालते हैं डिस्टेंस। मान लीजिए ये 90 डिग्री है, ये आप एंगल ले लीजिए थीटा, ये भी एंगल थीटा। अब बच्चों इस ट्रायंगल को ध्यान दो, इसका मैं नाम डाल देता हूं ए बी ओ बी, ठीक है। तो ये देखो इस ट्रायंगल को ध्यान से, ये देखो पी ओ बी, ये है ना 90 डिग्री एंगल, इसका मतलब कि ये दोनों ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल बन गए बच्चों राइट ट्राइंगल। और राइट ट्राइंगल में आपको पता है कि ये बेस है, ये क्या है परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है, और हाइपोटेन्यूज निकालने का फॉर्मूला आपको पता ही है। हाइपोटेन्यूज क्या होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो आप ऐसे भी सकते हो बेस परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें, तो क्योंकि प्लस है तो आप ये डिस्टेंस माना निकल गया, यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस ही आया। अब बच्चे यहां से यहां देखोगे तो ये भी डिस्टेंस सेम ही आएगा, क्योंकि ये भी वही आएगा, बेस सेम है, परपेंडिकुलर स्क्वायर इसका आएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो डिस्टेंस होगा सेम, डिस्टेंस निकल गया मुझे। अब मुझे डायरेक्शन निकालनी थी, तो फिर वही पर रखूंगा मैं यहां पर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखूंगा। आप बताओ ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर कौन सी डायरेक्शन होगी, ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, तो मतलब कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी बच्चों इधर ई पॉजिटिव। अब जो ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आएगी, तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए ई नेगेटिव। तो अब जो जैसे पहले हमने पिछले केस में एक्सियल लाइन में देखा था कि वो जो पी पॉइंट था वो इसके पास था, इसलिए इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर ज्यादा थी, और ये पी पॉइंट इस नेगेटिव चार्ज से दूरी पर था, इसलिए वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम थी, और दोनों आपके अपोजिट आए थे, तो मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। लेकिन यहां पर मसला कुछ हो रहा है, यहां पर देखिए ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है, इसका मतलब जितना ई पॉजिटिव होगा उतना ही ई नेगेटिव होगा, मतलब ई पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होगी ई नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड के। अब ये दोनों अपोजिट नहीं है, बल्कि इन दोनों के बीच में कुछ एंगल है, जब एंगल होगा बच्चों तो फिर आप इसको कैसे करोगे, ये देखिए आप इसको आप सॉल्व कैसे करेंगे। तो इसको मैं मान लो एक कंस्ट्रक्शन करता हूं, एक लाइन ड्रा करता हूं इस बेस के पैरेलल। तो अगर बच्चों जी मैं लाइन बेस के पैरेलल ड्रा करूंगा तो ये बन जाएगी आपकी ट्रांसवर्सल, ये देखो ये, और जब दो लाइनें पैरेलल हों, आपने नाइन्थ में कहीं थ्योरम पढ़ी होगी, जब दो लाइनें पैरेलल हों तो ये ट्रांसवर्स हो, तो फिर बच्चों ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, इसलिए ये एंगल और फिर ये एंगल आपका बराबर होगा थीटा। इसमें बच्चों ध्यान दो, ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं तो ये ट्रांसवर्स बन गई, तो ये एंगल है थीटा, तो ये एंगल भी थीटा होगा। अब बच्चों यहां पर दूसरी थ्योरम लग जाएगी आपकी कि अगर दो लाइनें आपस में काटते हैं तो ये एंगल और ये एंगल भी बराबर होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल, इसका मतलब ये एंगल थीटा, तो बच्चों ये एंगल भी थीटा होगा। अब यहां से आपने देखा कि ये वाले पॉजिटिव एंगल कितना बना रहा है थीटा, और ई नेगेटिव एंगल यहां पर कितना बना रही है थीटा। अब बच्चों आपको यहां पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के बच्चों यहां पर बहुत से तरीके हैं, तो आप यहां पर पैरेललोग्राम ला के लगा सकते हो, क्योंकि ये दो वैक्टर आपको पता है कि जब दो वैक्टर हो आपके पास, ए वैक्टर और बी वैक्टर हो, और उनके बीच में कुछ एंगल हो थीटा, तो इनका जो दोनों का रिजल्टेंट होता है बच्चों वो क्या होता है डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम। तो डायगोनल का फॉर्मूला आपको पता है कि रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा होता है। तो आप यहां पर भी आप क्या कर सकते हो कि इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा ये वाला डायगोनल, जो अगर मैं पैरेललोग्राम इसकी यहां पर मान लीजिए कंप्लीट करता हूं, ये अगर मैं पैरेललोग्राम कंप्लीट कर दू तो इन दोनों का जो डायगोनल आएगा वो ये आएगा, पैरेललोग्राम का डायगोनल बनेगा ये, तो इस तरफ आएगी बच्चों टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, डायगोनल जो होगा वो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बताएगा, और डायगोनल में इस फॉर्मूले से निकाल लूंगा। तो आओ बच्चों पहले हम क्या करते हैं, पहले उसी तरीके से पहले हम निकालिए ई पॉजिटिव की वैल्यू, मतलब कि इस पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट के ऊपर, तो लगाओ फॉर्मूला 1/4πε0 क्या फॉर्मूला है, क्यू अपॉन इस चार्ज से लेकर वहां तक डिस्टेंस, तो यहां तक डिस्टेंस कितना है, ये रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर और स्क्वायर कट जाएगा,
तो आपका आंसर आ जाएगा 1/4πε0 q/r² + l². ये आपका निकलेगा e पॉजिटिव। अब बच्चों e नेगेटिव की वैल्यू आप निकाल लीजिए, e नेगेटिव क्या होगा, e नेगेटिव होगा बच्चों 1/4πε0 q/, अब e नेगेटिव होगा यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस कितना है, वही सेम ही है, तो अब इसका भी आपने ऐसे लिखना है r² + l² का रूट, ये कट जाएगा तो आपका बन जाएगा 1/4πε0 q/r² + l² ये बन गया e नेगेटिव। और अब आपने क्या देखा कि ये देखिए जैसे मैं आपको यहां पर समझा रहा था, यहां पर भी देखिए कि ये दोनों की वैल्यू सेम आई है, तो अब आप लिख सकते हो कि क्लियरली जो e पॉजिटिव है वो बच्चों बराबर है e नेगेटिव के, मैं दोनों को e पॉजिटिव के बराबर रिपोर्ट कर लेता हूं, मतलब कि e नेगेटिव भी e पॉजिटिव कर लो और e पॉजिटिव तो है ही e पॉजिटिव है क्योंकि दोनों बराबर है तो एक के बराबर रिपोर्ट कर लो। अब आओ बच्चों कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी, देयरफॉर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो आपको बच्चों कौन बताएगा, वो बताएगा डायगोनल ऑफ दिस पैरेललोग्राम, तो वो आप फार्मूला लगा सकते हो यहां पर रूट ए से बी स्क्वायर, ए यहां पर हो गया ई पॉजिटिव और बी हो गया ई नेगेटिव, तो आप लिखिए ई पॉजिटिव का स्क्वायर प्लस ई नेगेटिव का स्क्वायर प्लस 2 पॉजिटिव ई नेगेटिव और कॉस ऑफ थीटा। अब बच्चों ई पॉजिटिव और ई नेगेटिव में कितना एंगल है, ये देखो थीटा प्लस थीटा कितना होगा, ये एंगल बन जाएगा 2θ, तो आपने यहां पर 2θ लेना, ये 2θ ये आपको याद। अब बच्चों दोबारा मैं इसको याद कर लेता हूं, इसके ऊपर चलते हैं E = 2। अब मैंने क्या बोला था कि E पॉजिटिव E नेगेटिव बराबर है, इसका मतलब जहां जहां E नेगेटिव है वहां भी E पॉजिटिव कर लो, तो आपका आंसर आ जाएगा E पॉजिटिव का स्क्वायर E नेगेटिव भी E पॉजिटिव का रिपोर्ट कर दो प्लस 2। ये देखिए ये भी E पॉजिटिव ये भी E पॉजिटिव हो जाएगा, तो E पॉजिटिव भी E पॉजिटिव बन जाएगा E पॉजिटिव का स्क्वायर और बचेगा cos 2θ। अब बच्चों इसको देखो ध्यान से, ये e पॉजिटिव और e पॉजिटिव कितने हो गए, 2e पॉजिटिव का स्क्वायर, ये भी आएगा 2e पॉजिटिव का स्क्वायर और cos 2θ ये। अब बच्चों यहां से देखिए यहां भी 2e पॉजिटिव स्क्वायर है, यहां भी 2e पॉजिटिव स्क्वायर है, इसको आप कॉमन ले लो, ये बन जाएगा 2e पॉजिटिव का स्क्वायर कॉमन, अंदर बचेगा 1 + cos 2θ, ये आएगा 2e पॉजिटिव का स्क्वायर बच्चों, तो ये 1 + cos θ का स्क्वायर आ रहा है, ये आपको फार्मूला पता है ट्रिग्नोमेट्री का, 1 + cos θ होता है 2cos²θ/2, तो यहां पर 1 + cos 2θ कितना होगा, 2cos²θ/2, ये 2 कट जाएगा बाकी बचेगा 2cos²θ, इसकी जगह मैंने सकता हूं 2cos²θ। अब जो यहां पर देखिए इसको मैं ऐसे ले सकता हूं कि 2 का 4 हो गया, 4e पॉजिटिव का स्क्वायर है और cos²θ है। अब अच्छा देखिए ये रूट जो है 4 के ऊपर भी है, इसके ऊपर भी है और इसके ऊपर भी है, तो 4 का रूट हो गया 2e पॉजिटिव का स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो बच जाएगा e पॉजिटिव, इसका स्क्वायर रूट से कटेगा तो बचेगा cos θ, मतलब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों आपको बन गई 2e पॉजिटिव cos θ यहां। अब हम बच्चों कि उसकी वैल्यूज निकालकर इसका आंसर निकाल सकते हैं, देखिए अब हमारे पास e पॉजिटिव, आप बताओ मुझे कि 2e पॉजिटिव की वैल्यू आपने क्या निकाली थी, जो पहले रिलेशन निकाली थी वो थी e पॉजिटिव की वैल्यू क्या थी, वो थी
वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, वो आप जो पहले निकाले थे। अब जो यहां पर है कॉस थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू किसी भी ट्रायंगल से निकालो क्योंकि ट्रायंगल सेम है, तो कॉस थीटा बच्चों किस क्या होता है, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस यहां पर आ जाएगा आपका एल और हाइपोटेन्यूज आ जाएगा आपका रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यहां से आप ले सकते हो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज रूट, तो रूट को हम ऐसे ले सकते हैं आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, रूट की वैल्यू वन बाई टू होती है तो आप पावर देते हैं जिसकी का इजी हो जाएगा। अब अच्छा यहां पर देखिए ये बन के ऊपर क्या है, क्यू भी है टू भी है और एल भी है, तो मैं इसको लिख सकता हूं क्यू मल्टीपल टू एल, क्यों मैंने किया ऐसा क्योंकि मुझे इसको पी बनाना है डाइपोल मोमेंट, तो नीचे बचेगा आपका वन अपॉन, देखो ये देखो इनको ध्यान से लगाओ, ये बेस है, ये भी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है, ये भी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है, इसकी पावर वन बाई टू है, इसकी पावर वन है, तो बेस सेम और पावर्स एड वाला फॉर्मूला लगाइए, वन प्लस वन बाई टू हो जाएगा थ्री बाई टू, ये बच्चों आपका इसको हम ऐसे ले सकते हैं, आगे ले लेते हैं इसको ऊपर, इसको मैं आगे ले जाता हूं, ये इज इक्वल बच्चों क्यू मल्टीपल टूबल क्या होता है डाइपोल मोमेंट फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, बाकी बचेगा वन अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर थ्री बाई टू, ये बच्चों निकली आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ड्यू टू डाइपोल एट एनी पॉइंट ऑन द इक्विटोरियल लाइन ऑफ द डाइपोल। अब बच्चों आप इन वेक्टर फॉर्म में देखें, इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म में आप बच्चों देखोगे तो क्या आपको समझ आता है, वेक्टर फॉर्म में आप ध्यान लगाइए कि इस डाइपोल की थोड़ा डायग्राम क्लियर कर देते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि इस डाइपोल की जो डाइपोल मोमेंट है वो इधर है, इस तरफ है ना, डाइपोल का डाइपोल मोमेंट किस तरफ है, इस तरफ होता है नेगेटिव से पॉजिटिव, अब इसकी जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकली है उसकी डायरेक्शन किधर है, इसके अपोजिट, तो ये बच्चों आपको बड़ा याद रखना है, एक्सेल लाइन में क्या था कि एक्सेल लाइन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन थी वो उसी तरफ थी जिस तरफ डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन थी, लेकिन इसमें क्या हुआ इक्विटोरियल लाइन में कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन निकली है टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड वो डाइपोल मोमेंट के देखिए अपोजिट है, तो अपोजिट को हम कैसे लिखेंगे, ई वेक्टर फॉर्म क्या लिखेंगे, माइनस ऐसे डालेंगे, क्योंकि माइनस का मतलब होता है कि ये ई वेक्टर और ई वेक्टर आपस में अपोजिट, ये बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जेट टाइम में भी केंद्र आता है। आइए इसका स्पेशल केस देखते हैं, जैसे पहले देखा था स्पेशल केस, स्पेशल केस मतलब कि फॉर शॉर्ट डायपोल, शॉर्ट डायपोल की भी डेरिवेशन आता है बच्चों, शॉर्ट डायपोल का मतलब क्या हुआ कि अगर ये जो पी पॉइंट है ये बहुत दूर हो जाए, मतलब कि आर जो है R मतलब दैट इज इफ R आपका बहुत ज्यादा हो जाए L से, तो फिर तभी तो ये डायपोल छोटा देखेगा अगर आप बहुत दूर से देखोगे, तो उस वक्त क्या करना होता है, जो चीज छोटी होती है उसको हम नेगलेक्ट कर देन नेगलेक्ट L, नेगलेक्ट L का मतलब कि L को जीरो बोल कर, तो फिर आपके बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर आ जाएगा माइनस पी अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, तो L आपका क्या हो जाएगा जीरो, बाकी बचेगा अंदर R की पावर टू और ऊपर पावर थ्री बाई टू, ये टू और टू कट जाएगा बचेगा नीचे R की पावर टू, तो ये आपको बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू एट ए पॉइंट ऑन द इक्विटोरियल लाइन। बच्चों आप दोनों इन दोनों में डिफरेंस समझे कि एक्सेल लाइन और इक्विटोरियल लाइन में क्या फर्क आपने देखा, तो ये देखिए आप पहली लाइन कि आपने देखा कि एक्सियल लाइन की जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी, मैग्नीट्यूड में लेता हूं, एक्सियल लाइन की इलेक्ट्रिक फील्ड थी टू पी अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, और जो इक्विटोरियल लाइन पर आई है वो बच्चों पी अपॉन
फोर पाई एप्सिलॉन आर क्यू आई है। ये देखो मैग्नीट्यूड, ये डायरेक्शन नेगेटिव को छोड़ दो, नेगेटिव से डायरेक्शन बताने के लिए। तो अब आपने क्या सीखा, इसका मतलब कि मैं इसको ऐसे नहीं सकता हूं, ये जो है ये चीज जो है ये चीज तो होगी ना इसके बराबर, ये इक्वेटोरियल लाइन के बराबर, इसका मतलब कि एक्सियल लाइन की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो टू टाइम्स होगी इक्वेटोरियल लाइन से, मतलब कि एक्सियल लाइन की इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल से टू टाइम्स ज्यादा होगी। तो अब आप यहां पर समझिए रहा कि इस चीज को आप ग्राफिकली भी बना सकते कि मान लीजिए ये मेरे पास एक डाइपोल है, ये एक डाइपोल है, तो ये मैं बनाता हूं एक्सियल लाइन जो होगी एक्सियल लाइन, और ये आ गया आपका इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन। तो ग्राफिकली समझ लेते हैं इस पॉइंट को कि मान लीजिए मैंने बोला, लेकिन ये आपने देखा कि डिस्टेंस आपकी सेम होनी चाहिए, डिस्टेंस अगर सेम है, सेम डिस्टेंस के ऊपर एक्सियल लाइन की इलेक्ट्रिक फील्ड ट्वाइस होगी इक्वेटोरियल लाइन से, या इसका मतलब कि इक्वेटोरियल लाइन की इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल लाइन से टू टाइम्स कम है। चलो मान लीजिए ये यहां पर मैं देता हूं, ये पॉइंट देता हूं पी, इसका डिस्टेंस यहां से यहां तक रखता हूं आर, तो यहां पर भी मैं पी पॉइंट लेता हूं इक्वेटोरियल लाइन पर, इसका भी डिस्टेंस में रखता हूं आर। तो यहां पर अगर एक्सियल लाइन के ऊपर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ई है बच्चों, तो इक्वेटोरियल लाइन पर कितनी होगी फिर ई बाई टू, मतलब आधी। अगर सेम डिस्टेंस आगे मैं चलता हूं इधर में लेता हूं टू ई, तो यहां पर कितनी आएगी इससे आधी, तो यहां पर आएगी कि और इक्वल डिस्टेंस के ऊपर हो जाएगा ई के बराबर। तो आप बच्चों इसको ग्राफिकली भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि आप डिस्कस द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एक्सियल लाइन एंड इक्वेटोरियल लाइन, तो ग्राफिकली भी आप इसको समझा सकते हो कि कैसे कैसे एक्सियल लाइन के ऊपर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ई है तो इक्वेटोरियल लाइन पर सेम डिस्टेंस पर आधी होगी, अगर वो टू ही होगी तो वो ई हो जाएगी, मतलब एक्सियल लाइन की इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी इक्वेटोरियल लाइन से। ये आप नोट कर सकते हो। अब बच्चों एक ऑब्जेक्टिव टाइप करते हैं छोटा सा एमसीक्यू, उसके आगे से चलते हैं। मान लीजिए आपको बोलता है कि ये आपके पास एक डाइपोल है, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, और मैंने यहां पर मैंने पॉइंट अभी लिया ना पी पॉइंट एक्सियल लाइन का, तो यहां पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी बच्चों वो किस तरफ थी, इस तरफ। क्यों थी इस तरफ, क्योंकि इस पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इधर थी और नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इधर थी, और ये वाली बड़ी थी इलेक्ट्रिक फील्ड, इसलिए इसमें से ये माइनस किया तो जिस तरफ बड़ा वेक्टर होता उसी तरफ रिजल्टेंट की डायरेक्शन है। अब मान लो मुझे को बोलते कि आप यहां पर अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते इस पी पॉइंट को वहां के बजाय यहां रखता तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ होती। अब बच्चों चेक करें वही कंसेप्ट करना, आपने यहां पर आपने यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेना है। अब देखिए ये जो नेगेटिव चार्ज है ये अब इसके पास आ गया, ये इसकी इलेक्ट्रिक इधर हो जाएगी ई नेगेटिव बड़ी, ये पॉजिटिव चार्ज है ये इसको रिपेल करेगा तो पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक इधर आ जाएगी। अब फर्क क्या हुआ कि जो नेगेटिव चार्ज है इसके पास है तो इसका मतलब नेगेटिव वाली इलेक्ट्रिक ज्यादा हो जाएगी, और पॉजिटिव इस पॉइंट से दूर है इसलिए उसकी इलेक्ट्रिक काम हो जाएगी। लेकिन फिर देखिए दोनों वेक्टर आपके अपोजिट हैं, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं यहां पर भी निकालूं तो अब ये माइनस ये हो जाएगा ई नेगेटिव माइनस ई पॉजिटिव, तो क्योंकि बड़े वेक्टर की डायरेक्शन इसी तरफ है इसलिए इसकी डायरेक्शन जो होगी इस केस में भी आप पॉइंट यहां रखोगे तब भी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी उसकी डायरेक्शन इसी तरफ होगी, किस तरफ, जिस तरफ आपका डाइपोल मोमेंट था। तो इसलिए आपने याद रखना कि एक्सियल लाइन के ऊपर आप यहां पॉइंट लो आपकी डेरिवेशन बच्चों सेम आएगी, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा डायपोल की डायरेक्शन में ही होगी। तो ये भी आप याद रखें एमसीक्यू, कई बार बच्चे ने यहां तक डेरिवेशन की होती है रटा लगाया होता है और कहीं कंपटीशन में वहां पूछते तो बच्चा सोचता है शायद इधर होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन ऐसा नहीं। आप कंसेप्ट को याद रखिए, क्वेश्चन आप सारे कर सकते हो लेकिन अगर आपको कंसेप्ट आपके अच्छे हैं
तो अब बच्चों अब हम क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेरिवेशन हम निकालेंगे किसी भी पॉइंट के ऊपर। जैसे आपके पास ये कोई डाइपोल है, मान लीजिए ये आपका डाइपोल है माइनस क्यू और प्लस क्यू, ये डाइपोल है। पहले मैंने निकाला एक्सल लाइन के ऊपर, फिर दूसरा निकाला मतलब 90 डिग्री। अब कल आपको पूछते हैं नहीं न्यूमेरिकल आपको आता है कि नहीं जी आप क्या करो यहां इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो जिसका एंगल 30 डिग्री। फिर आप क्या करोगे, फिर आप बोलोगे सर ने तो हमें दो ही चीजें बताई थी, एक एक्सल लाइन और एक परपेंडिकुलर, अगर ये कोई और एंगल आ गया जैसे 30 डिग्री 45 डिग्री फिर आप कंफ्यूज हो जाओ। क्यों ना हम एक ऐसा मसला करें कि हम एक ही डेरिवेशन निकालें जिससे सारे मसले हल हो जाएं, चाहे आप एक्सल हो चाहे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो चाहे किसी भी एंगल पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो तो उसका मसला हल करते हैं। तो चलो उसको हम करते हैं डेरिवेशन को, समझेंगे वो कैसे निकलेगी डेरिवेशन। चलो अब बच्चो मान लीजिए वही पॉइंट कीजिए कि यहां पर आप ले लीजिए, मान लीजिए डाइपोल है और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन आपको पता है कि किस तरफ होगी, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। मान लो यहां पर मैं कोई पी पॉइंट लेने लगा हूं और उस पी पॉइंट का यहां से कोई मैं ये डिस्टेंस ले लूंगा आर। अब बच्चों देखो यहां पर एक चीज, ये आपके डाइपोल मोमेंट इस डाइपोल का, ठीक है, एक डाइपोल का एक ही डाइपोल मोमेंट होता है, अगर दो डाइपोल मोमेंट होंगे मतलब कि दो डाइपोल हो गया आपके। अब मान लीजिए ये पी पॉइंट है, इस पी पॉइंट के ऊपर मुझे ये अब ये एंगल में लेने लगा हूं थीटा, मैं एनी एंगल। अब बच्चों क्योंकि आपको पता है कि ये अब ये जो P पॉइंट होगा ये यहां भी हो सकता है यहां भी हो सकता है यहां भी हो सकता है यहां भी हो सकता है, इसका मतलब कि इसका एंगल जो है वो चेंज हो रहा है, मुझे इस एंगल पर निकालना मुझे अलग थीटा पर लेना पड़ेगा, इसका मतलब कि मेरे पास दो वैल्यू, अगर एक तो एंगल चेंज हो रहा है दूसरा ये P पॉइंट में इधर भी ले सकता हूं आगे भी ले सकता हूं तो इसका मतलब आर भी चेंज हो रहा है। तो बच्चों जब आर और थीटा एंगल चेंज हो तो उसके कोऑर्डिनेट का हम बोलते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स, ये याद रखना, अगर एंगल और कोई डिस्टेंस चेंज आ रहा हो तो उसको हम बोलते हैं पोल। जैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हम लिए थे ना एक्स और वाई, उसमें एंगल नहीं था, जब रोटेशन का भी केस आ जाए और डिस्टेंस का भी हो तो उसको बोलते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो अब हम बोलेंगे कि पी के ये पोलर कोऑर्डिनेट्स आ गए, जैसे ये मतलब आर भी चेंज कर सकते हो थीटा भी चेंज कर सकते हो। ओके बच्चों अब हम क्या करते हैं कि यहां पर ये जो डाइपोल मोमेंट है बच्चों जो इस एक डाइपोल का था, अब ये डाइपोल मोमेंट तो वेक्टर क्वांटिटी है और जब वेक्टर क्वांटिटी कुछ एंगल बनाती है तो उसके दो टुकड़े हो जाते हैं। तो आओ मैं इसके रिजॉल्व करके देखता हूं, इसका एक इस पी वेक्टर का एक यहां पर आएगा टुकड़ा, ये क्या बन जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा पी कॉस थीटा, ठीक है। वेक्टर आपको लेमन का जब कोई वेक्टर क्वांटिटी एंगल बनाती है किसी लाइन के साथ तो उस लाइन के साथ जो इस वेक्टर का कंपोनेंट होता है उसको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बोलते हैं, वो यहां पर आ गया पी कॉस थीटा, और इसका दूसरा कंपोनेंट होगा इस पी कॉस थीटा के परपेंडिकुलर, तो वो जो इस पी कॉस थीटा के ये आ गया पी कॉस थीटा तो इसके परपेंडिकुलर जो आएगा बच्चों वो आएगा पी साइन थीटा, मतलब इस डायपोल के दो आपके टुकड़े हो गए, ये बन गया डायपोल और एक ये बन गया डायपोल। इसका मतलब हुआ कि अब मेरे पास एक डाइपोल ये है जिसका डाइपोल मोमेंट पी कॉस थीटा है और दूसरा डाइपोल ये है जिसका डाइपोल मोमेंट पी साइन थीटा है। अब आप पहले को भूल जाओ, समझ लो कि पहला है ही नहीं, अब ये डाइपोल मोमेंट था उसके दो पार्ट हो गए पी कॉस थीटा और पी साइन थीटा, और मैंने आपको क्या बताया कि जो एक डाइपोल का एक ही डाइपोल मोमेंट होता है। आप देखिए यहां पर एक डाइपोल मोमेंट ये है और एक डायपोल मोमेंट जी है, इसका मतलब एक डायपोल ये बन गया और एक डायपोल ये बन गया और ये आ गया पॉइंट। अब हम इस पी पॉइंट को चेक करेंगे कि ये जो पी पॉइंट है, ये पी पॉइंट आप ध्यान लगाओ, ये पी पॉइंट इस डायपोल की कौन सी एक्सिस के ऊपर है, ये एक्सियल लाइन के ऊपर है, देखो ना इस डायपोल की ये जो लाइन है ये होगी इसकी एक्सियल लाइन, तो ये पी पॉइंट हो गया इसकी एक्सियल लाइन के ऊपर इस डायपोल।
तो अब आपने पढ़ा था पीछे कि एक्सल लाइन के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी बच्चों, अब मान लो इस पी पॉइंट के ऊपर इस डायपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसका मैं ई वन नाम डाल लेता हूं, तो वो आएगी उसकी क्या डायरेक्शन थी, एक्सल लाइन की डायरेक्शन किस तरफ थी, जिस तरफ डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है। अब इस पॉइंट को जरा इस डायपोल के नजरिए से देखो, ये पी पॉइंट आ गया इस डायपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर जब कोई पॉइंट आता है तो वहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू थी वो मैंने आपको क्या समझाया कि उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उस डायपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होगी, तो इस पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ड्यू टू दिस डायपोल वो आ जाएगी इस तरफ, उसका नाम मैं डालता हूं ई टू। तभी बच्चों मैंने पीछे आपको जोर दिया था कि इलेक्ट्रिक डायपोल की डायरेक्शन अगर एक्सल लाइन पर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अलॉन्ग द एक्सल लाइन होती है, अगर कोई पॉइंट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर है तो उसकी डायरेक्शन डायपोल के अपोजिट होगी। अब बच्चों देखो ध्यान से कि ये दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, इसका मतलब इन दोनों के बीच में भी एंगल 90 डिग्री होगा, तो इनका जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ये आएगा, इन दोनों का पैरेलोग्राम लगाओ ये आएगा रिजल्ट, ये बन गया टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास आ जाएगा यहां पर हम जेड का निकालेंगे, तो पहले हम निकाल लेते हैं बच्चों ई वन, तो ई वन का आप ध्यान दो, ई वन इलेक्ट्रिक फील्ड किसके अंदर होगी, आप बताओ मुझे एक्सल लाइन की क्या डेरिवेशन थी, एक्सल लाइन की डेरिवेशन थी आपकी 2P/4πε0R2। अब ये पी पॉइंट इस डायपोल के एक्सल के ऊपर है, तो इस डायपोल के डायपोल मोमेंट कितने पी कॉस थीटा, तो मैं यहां पर पी कॉस थीटा लगाऊंगा 2P/4πε0R³ सर। अब जो ई टू निकाल लीजिए, अगर कोई पॉइंट डायपोल के परपेंडिकुलर, अब ये डायपोल इसके परपेंडिकुलर पॉइंट पर ही आएगा, तो परपेंडिकुलर की डायपोल की कितनी थी, इक्विटोरियल लाइन मतलब वो था सिर्फ P/4πε0R³, इसका वैसे P/4πε0R³ ये हो गया। अब देयरफॉर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों यहां पर पैरेललोग्राम ला लगाइए यहां पर, तो यहां पर देखिए E1 और E2 में आकर कितना है 90 डिग्री का, इसलिए यहां पर सीधा पैथागोरस थ्योरम लग जाएगी E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर, क्योंकि कॉस थीटा की वैल्यू 0 है। यहां से इसको सॉल्व कीजिए क्या बनेगा, इसको सॉल्व करो क्या आंसर आएगा, E1 का स्क्वायर क्या बनेगा 4P² कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन, चलो आप इसको ऐसे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, आप ऐसे रखिए किसी का स्क्वायर ले लीजिए पूरा 2P cos θ/4πε0R³ का स्क्वायर, और उधर लिखिए P/4πε0R³ का स्क्वायर। ओके बच्चों, अब यहां पर देखिए कॉमन क्या चीज है, कॉमन क्या निकल सकता, देखिए P/4πε0R³ का स्क्वायर, यहां भी P/4πε0R³ का स्क्वायर, तो ये कॉमन लोगे तो इसका स्क्वायर कट जाएगा यहां से, तो बाहर आएगा P/4πε0R³ बाहर, अंदर क्या बचेगा बच्चों, अंदर बच जाएगा आपका ये 2 का स्क्वायर 4 और कॉस का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और इधर बच्चों आपने इसकी वैल्यू पुटने की पी साइन थीटा, क्योंकि इसका डायपोल मोमेंट लगाना था मुझे, तो पी साइन थीटा, तो इसका बचेगा अंदर साइन स्क्वायर थीटा। आप बच्चों इसको आप साफ कर सकते हो, जैसे P/4πε0R³ इसको मैं कैसे साफ करूं, इसको मैं चले सकता हूं 3 cos² थीटा
चार है ना, फोर कास के इसको थ्री कास के थीटा अलग कर देता हूँ और ए कास के थीटा अलग से लिख देता हूँ और साइंस के थीटा अलग से लिख देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये जो चीज है ये वन हो जाएगी क्योंकि आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्री में साइंस के थीटा प्लस कास के थीटा वन होता है। बच्चों ये आपको ट्रिग्नोमेट्री हो गया, डिफरेंशियल हो गया, ये आपको पीछा नहीं छोड़ेंगे। मैथ आप अगर वीक है तो दोबारा से स्टडी कीजिए कास के थीटा प्लस वन, क्योंकि कोई भी आप एंट्रेंस पास नहीं कर सकोगे अगर आपको न्यूमेरिकल नहीं आते, तो इसलिए न्यूमेरिकल करने के लिए मैथ स्ट्रांग होना चाहिए, ये बात याद रखिए। तो ये बच्चों हमारा निकल गया टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट के बराबर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो। फोर पे एप्सिलॉन आर क्यूब, ये देखिए थ्री कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वन, किसी भी पॉइंट के बराबर निकाल सकते हो, ये हमारा इलेक्ट्रिक। अब मान लो आपको पूछता है कि टोटल इलेक्ट्रिक एंगल कितना बना रही है, तो मान लो यहां पर एंगल बनाती है, यहां पर मैं ले लेता हूं बीटा एंगल। तो बच्चों यहां पर देखिए कि टैन बीटा किसके ऊपर आएगा, टैन बीटा, तो बीटा किसका होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये परपेंडिकुलर इसके बराबर है तो यह आ गया ई टू, और बेस है ई वन, ई टू वन ई वन आ जाता। E2 की वैल्यू बच्चों कितनी थी, E2 कौन है परपेंडिकुलर वाला, तो ये E2 की वैल्यू थी P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब डिवाइडेड बाय E1, E1 एक्सियल वाला ये ऊपर चला जाएगा 4, सॉरी P क्या था, कुछ और था यहां पर P साइन थीटा, और ये था ये आ गया ये कौन सा था इक्विटोरियल लाइन वाला, इक्विटोरियल लाइन वाला था E साइन थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन आर क्यूब, और वो था एक्सियल लाइन वाला 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब अपॉन 2 पी कॉस थीटा। तो उसको आप वैल्यू पुट कर देख सकते पीछे, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, यहां से P और P कट जाएगा, तो यहां बच जाएगा आपका टेन बीटा इज इक्वल टू बच्चो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, मतलब 1 बाई 2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है टेन थीटा। तो ये आपका एक रिलेशन बना कि बीटा आपको बताएगा कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और ये आएगा कि मैग्नीट्यूड। आओ बच्चों जरा देखें इससे क्या फायदा हो, हमें स्पेशल केसेस देखते हैं जैसे हमने निकाले थे। पहला केस कहते हैं कि मान लो कि ये P पॉइंट जो था वो एक्सियल लाइन के ऊपर आता है, मान लो इस पॉइंट को मैं एक्सियल लाइन पर लेता हूं तो ये थीटा कितना हो जाएगा जीरो। तो आप देखिए इफ P लाइज ऑन एक्सियल लाइन, अगर P एक्सियल लाइन पर आ जाएगा, ये P एक्सियल लाइन पर आएगा तो इसको घुमा के इधर लाओ, ये थीटा कितना हो जाएगा जीरो, थीटा आपको जीरो लेना पड़ेगा। थीटा जीरो लोगे तो ई की वैल्यू देखिए कितनी आएगी, ई की वैल्यू आएगी पी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब अंदर 3, थीटा की जगह जीरो पुट करोगे कॉस जीरो कितना था 1, 3 इंटू 1 1 हो गया प्लस 1, ये कितना बन जाएगा पी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, ये बन जाएगा बच्चों 4। तो 4 का रूट कितना होता है 2, बन जाएगा 2 पी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। ये देखिए बच्चों आपका यही वही डेरिवेशन जो हमने पहले दी थी एक्सियल लाइन की डेरिवेशन। अब आओ बच्चों कि मैं बोलता हूं कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो इफ पी लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो बच्चों ये 90 डिग्री हो जाएगा पॉइंट, थीटा आपका आ जाएगा 90 डिग्री पर, जब थीटा 90 पुट करोगे तो कॉस 90 कितना हो जाएगा जीरो, अंदर का बच्चे का 1, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी आपकी पी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये देखिए आपके वही डेरिवेशन वापस रिपीट होगी, और इस डेरिवेशन को करने का ये फायदा होगा कि मान लो कल आपका न्यूमेरिकल बोलता है थीटा 30 डिग्री, फिर आप क्या करोगे यहां 30 पुट कर दोगे, अगर आपको बोलता है 60 कितना है 60 पुट कर दो, तो ये मास्टर फार्मूला बन गया, ये किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।